तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम के अंदर यूनिट नंबर 4 को। और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट नंबर 4 में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। और इससे पूर्व सेक्शन में हम लोगों ने लगभग 3 यूनिट को अच्छी तरीके से खत्म किया है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। यूनिट नंबर 4 में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो टॉपिक्स नंबर 1 पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैक ट्रैकिंग क्या होता है, किस तरीके से बैक ट्रैकिंग को हम अप्लाई करते हैं, बैक ट्रैकिंग का एल्गोरिथम क्या होता है। सेकंड आपका टॉपिक आता है 8 क्यून्स प्रॉब्लम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टोनियन साइकिल क्या होता है, ग्राफ कलरिंग क्या होता है। बेसिकली ग्राफ कलरिंग के बारे में आपको पता होगा, जो कि अगर आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ग्राफ कलरिंग आपको मिला होगा, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर भी ग्राफ कलरिंग आपको मिला होगा। उसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक में हम पढ़ेंगे ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड क्या होता है, किस तरीके से ब्रांच एंड बॉन्ड मेथड को हम यूज करते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं उसको, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूनिट फोर्थ नंबर टॉपिक आपका हो जाएगा टीएसपी, जिसे शॉर्ट में हम टीएसपी कहते हैं, जो कि आपका ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पैरेलल एल्गोरिथम क्या होता है, पैरेलल एल्गोरिथम किस तरीके से हम यूज करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं फ्रेंड कि बैक ट्रैकिंग आपका क्या होता है, किस तरीके से बैक ट्रैकिंग को हम अप्लाई करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग में सबसे पहला आपका जो पॉइंट है वो कह रहा है कि द बैक ट्रैकिंग इज द मोस्ट जनरल टेक्निक टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम दैट डील्स विद सर्चिंग फॉर अ सेट ऑफ सॉल्यूशन और विच आस्क फॉर एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग सम कॉन्स्टेंट। यानी बैक ट्रैकिंग एक प्रकार का काफी पॉपुलर और काफी जनरल टेक्निक होता है, जिसके मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो कि बेसिकली सर्चिंग पर आधारित होता है, और वो कहीं ना कहीं उसके बैक ट्रैकिंग को अप्लाई करने के बाद हमें एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलता है उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि द नेम बैक ट्रैक वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द डीएस लैमर इन 1950s। यानी जो बैक ट्रैकिंग का वर्ड है वो जो साइंटिस्ट थे डीएस लैमर, उन्होंने 1950s में इसको दिया था, इसके नाम को दिया था बैक ट्रैकिंग के नाम को। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि बैक ट्रैकिंग इज यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन विच अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज चूजन फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सेट सो दैट द सीक्वेंस सेटिस्फाई सम क्राइटेरिया। यानी बैक ट्रैकिंग जो होता है उसका हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को, जिसमें जो सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं वो हम चूज करते हैं उसके एक स्पेसिफाइड सेट के अकॉर्डिंग, जो सीक्वेंस को सेटिस्फाई करेगा, कुछ जो क्राइटेरिया दिया रहेगा उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे उसमें वर्क करेंगे। अगला पॉइंट हम कह रहे हैं कि एग्जाम्पल डेट कैन बी सॉल्व बाई बैक ट्रैकिंग आर, यानी कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जिनके मदद से हम बैक ट्रैकिंग को सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका आता है सॉर्टिंग एरे ऑफ इंटीजर, जिसमें आपका इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट दिया रहता है उसको हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। सेकंड आपका आता है 8 क्यून्स प्रॉब्लम, जिसको हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपका 4 क्यून्स प्रॉब्लम आता है, जिसको हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। देन उसके बाद कुछ सबसेट आते हैं, जो कुछ सबसेट प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी हम बैक ट्रैकिंग की मदद से सॉल्व करते हैं। उसके बाद फ्रेंड हमारा आता है एल्गोरिथम, किस तरीके से एल्गोरिथम वर्क करता है। तो उस एल्गोरिथम को आप लिख लीजिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में अगर आप एल्गोरिथम को लिखेंगे तो जो नंबर का वेटेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हम एस्टिमेट करेंगे, सेकंड में द एल्गोरिथम फॉलो अ रैंडम पाथ, यानी जो एल्गोरिथम होगा वो एक रैंडमली पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। और इन स्टेट स्पेस ट्री एंड प्रोड्यूस एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ नोड इन द ट्री, यानी उस ट्री में जो भी स्पेसेस रहेंगे उसको हम एस्टिमेट करेंगे। और यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रेसेस रहेगा, और i इज इक्वल टू 1 रहेगा, j इज इक्वल टू 1 रहेगा, k इज इक्वल टू 1 रहेगा, और रिपीट करेगा फिर से वही स्टेप। और ये कंडीशन आपके अप्लाई किए जाएंगे, ट्रू रहेगा तो, अगर ट्रू रहेगा तो ये कंडीशन होगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे आके ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे की वीडियो सीरीज में हम लोग 8 क्यून्स प्रॉब्लम को देखेंगे और भी डिफरेंट टाइप ऑफ जो टॉपिक्स है उनको कवरअप करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।